मेरे अति प्रियो, यीशु के नाम से शुभकामनाएं। नया साल में परमेश्वर अपने वादा को आपके लिए दिया है ना, आपके लिए है ना। परमेश्वर के वचन को क्या आप विश्वास करते हैं? हमारा परमेश्वर अपने वचन को, अपने वादा को, अपने वचन को हमेशा पूरा करते हैं। आप यहाँ एक भवन को देख रहे हैं ना, परमेश्वर का घर। यीशु छुड़ाता सेवकाई का पहला जो बनाया हुआ भवन यही है। परमेश्वर ने इसको बना के दिया। 80 की शुरुआत में प्रभु ने दर्शन देके मुझसे ये कहा, तुम मेरे लिए भवन बनाओ। उसमें हजारों लोग आके मेरे भवन में प्रार्थना करेंगे और जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे करके प्रभु ने मुझसे कहा था। उन दिनों में ये एक पिता जमीन भी हमारे पास नहीं था। परमेश्वर की वादा को हमने विश्वास की। मेन रोड में परमेश्वर मुफ्त के रूप में ये जमीन को हमें दिया। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने इस जमीन को देने के लिए कहा था। इसलिए प्रभु के कहने के अनुसार उन दिनों में हमारे उपवास की प्रार्थना में 200 या 300 लोग आते थे। 3000 लोग बैठने के लिए परमेश्वर ने भवन को बनाने के लिए कहा था, लेकिन लोगों को इतना विश्वास नहीं था। ये छोटे गांव में 3000 लोग कहां से आएंगे? इस प्रकार लोग कहने लगे। ये जरूर परमेश्वर के द्वारा ये वाणी नहीं हुई, ऐसे लोग कहने लगे। भवन को बनाने के पहले ही परमेश्वर 3000 लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। 1979 में 28 तारीख को बाई दिनगरन का द्वारा ये भवन की उद्घाटन किया गया। वे खुद आकर यहाँ पर उसने उद्घाटन किया। उनको भी परमेश्वर ने यहाँ पर लाया। परमेश्वर अपने वचन को जरूर पूरा करता है। ये भवन हमारे लिए खुद एक गवाही के रूप में है। ये भवन भरने के बाद ही जो है दूसरे भवन बनाने के लिए हमने योजना बनाई। आज नया भवन को बनाने के लिए प्रभु अनुग्रह दी। आज परमेश्वर का वादा को हम देखेंगे, यसाया 52:12 में, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इसराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। इस साल में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, डरना नहीं, सारे रुकावट को बदलूंगा। मैं लाल समुद्र को 2 टुकड़ा करूंगा, अद्भुत काम करूंगा। यर्दन को भी 2 टुकड़ा करके तुम्हें अद्भुत रूप से अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हारे आगे जाता हूँ, वो कहता है। पीछे से खतरा आएगा ना, सारे विपत्तियों से बचाने के लिए मैं तुम्हारे आगे जाने के लिए वादा करता हूँ करके परमेश्वर आज कहता है। आगे उनका उपस्थिति, पीछे उनका सुरक्षा, इसलिए क्यों हमें डरना है? तू मेरा आगे है, तू मेरे पीछे है, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। बोलिएगा, आनंदित रहेंगे। पिताजी, हमारे आगे जाके सारे बाधाओं को दूर करने वाला परमेश्वर को स्तुति हो। हमारी पीछा से हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर यीशु को मैं स्तुति करता हूँ। प्रभु, हमारे लिए ये काफी है। प्रभु, तू हमारा संग्रह, प्रभु आगे पीछे तू रहकर हमें संभालता, स्तुति करते हैं। यीशु के नाम से स्तुति करके प्रार्थना करते हैं पिता। आमेन, आमेन।